सड़कों पर अब से अत्याधुनिक सुविधाओं वाली 100 नई बसें सड़कों पर चलेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन बसों को हरी झंडी दिखाई। इसी को लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ कैलाश गहलोत जी हैं, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। सर, आज आपने सीएनजी बसें जो है वो 100 बसें दिल्ली को सौगात दी। कोरोना टाइम में बहुत परेशानी भी हो रही थी, लोग चल रहे थे। आने वाले दिनों में सर इलेक्ट्रिक सिटी की अगर बात करें, उन बसों की अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली में हमेशा पर्यावरण प्रदूषण की दिक्कतें होती हैं, आप उस पर काम भी कर रहे हैं, कब ला रहे हैं, क्या संख्या रहेगी आने वाले समय में? हमने तो ये सीएम साहब का विजन है कि दिल्ली को पूरे देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल के रूप में उभरता हुआ देखें, और उसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल जो है जो और व्हीकल्स के मुकाबले में बढ़ के निकल रही है। और जहाँ तक बसों की बात है, इलेक्ट्रिक बसेज जो है इंडक्शन बहुत जल्द अगले हफ्ते सीएम साहब उसको फ्लैग ऑफ करेंगे, और उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली सरकार जितनी भी बसें इंडक्ट करें वो इलेक्ट्रिक बसेज ही इंडक्ट करें, क्योंकि उसमें जीरो एमिशन है, तो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल है। सर, इलेक्ट्रिक ऑटोज़ भी मार्केट में आप लोग ला रहे थे बहुत सारे जगहों पर, इस चीज़ को लेकर के इसको किस तरीके से विस्तार कर रहे हैं लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए? इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के लगभग 4,000 से ज़्यादा हमने परमिट ऑलरेडी ऐड वगैरह निकाला था, उसकी एप्लीकेशन इनवाइट हो चुकी हैं। अराउंड 33% उसमें से जो इलेक्ट्रिक ऑटोज़ है वो हमने महिलाओं के लिए रिज़र्व किए हैं,